हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आज सबकी चहेती नम्रता। और अभी क्या है कि आज ना ब्लॉग मैं आफ्टरनून में स्टार्ट किया हूँ बिकॉज मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अभी क्या है, अभी बस मैं नहा ली हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो चलो आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ और आज ना भोले बाबा का दर्शन करवाती हूँ, ठीक है। तो हाय गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और अभी हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो चलो आप लोग भी एक्साइटेड हो ना देखने के लिए, मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है। तो चलो फिर आप लोगों को भी लेके चलते हैं वहाँ पे दर्शन, आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं, ठीक है। चलो वहाँ पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। तो हे गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं। और आपको पता है आज भी हमारे साथ कौन खड़ा है, आपको पता है, ये देखिए ऋत्विक और सूरज और सुष्मिता मंदिर के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो चलो फिर मैं भी चलती, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी आ। तो गाइस, फाइनली मेरा दर्शन हो गया, आप लोग भी कर लिए होंगे आई होप। एंड अभी सिनेमैटिक शॉट्स भी मैंने लिया है और अभी यहाँ पे होने जा रहा है कीर्तन, तो जा रही हूँ मैं भी कीर्तन करने। चलो आप लोग भी आओ हमारे साथ करो, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ कि आंटी बजा रही थी ढोलक, तो रुक जाओ तो आंटी की बजा रही थी, तो दूसरी आंटी को मेरी बहन का पसंद है, मतलब सुष्मिता का, तो वो बोली कि सुष्मिता तुम बजाओ, वो आंटी को मत बजाओ। तो सामने बैठी आंटी मन का चेहरा दिखाती हूँ, ये आंटी जी बजा रही थी, इनसे ढोलक लेके इनको दे दिया गया। क्यों दिया गया सुष्मिता? एंड दोस्तों, आपको मालूम है यहाँ पे सब लोग ना कीर्तन में एकदम मगन हैं, और सुष्मिता ना बिल्ली के साथ खेल रही है बिकॉज उसको पेट्स बहुत पसंद है।
तो दोस्तों यहाँ पे ना बाबा के तो दर्शन हो गए और अभी हम लोग निकल लिए हैं अपने दूसरे लोकेशन की ओर। तो चलो आप भी हम लोग के साथ चलो और इन्जॉय करो, ठीक है। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग अभी मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए। अभी हम लोग आए हैं अपनी उस लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग अपना शूट करने वाले हैं, रील शूट करने वाले, वो भी इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। मैंने कफन वगैरह बांध लिया है सर पे, तो बस अभी शूट होने जा रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे के पीछे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। एक मिनट। तो गाइस ध्यान से देखिए, ये है हमारा मेकअप दादा। दिस क्रेडिट गोज टू ऋत्विक। ओके मेकअप दादा, हाय। मेकअप दादा जी यार, उधर मेकअप चल रहा है। मेकअप दादा हाय बोलिए। मेकअप दादा, सूरज दादा आप भी हाय बोलिए। गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं मेकअप इनका, सुष्मिता और इनका जो कि कैमरामैन है। अरे फ्रेंड, वो कहाँ गया? कैसे फ्रेंड? तो हे गाइस, फाइनली मेरा यहाँ पे सेकेंड शूट भी हो गया। एक मिनट। कितनी गलत तरीके से लोग मेहनत करके अमरूद तोड़ रहे हैं, आप लोग नहीं जानते। ये देखिए सुष्मिता, नहीं गलत बात है, रहने दो छोटी हो खुद ही। अभी सूरज को देखना, सूरज भी लटका था। सुष्मिता नहीं, सुष्मिता सक्सेसफुल हो गई। ये देखो 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 कितना गलत तरीके से सूरज इस चेहरे के पीछे, ये राज है। एंड अभी हमारा शूट हो गया है, सेकंड शूट कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं बतासे खाने। बतासे मतलब गोलगप्पे, गुपचुप 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 गुपचुप। सो गाइस, ये अमरूद का पेड़ देख सकते हो और ये है अमरूद, इतने छोटा है, बहुत मीठा है। मैं खाई अमरूद, कैसा है? बहुत टेस्टी है, बट ये गलत बात है, किसी के पेड़ से नहीं तोड़ना। मैं आपको दिखाती हूँ एक ट्रायल। ये है अमरूद, ठीक है, देखो छोटा प्लस, बहुत टेस्टी है। मैं तो आ गई, लेकिन ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे, बिकॉज ले रहे हैं क्या बिकॉज लोग को अमरूद खाना है। एंड हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे, यहाँ पे लोकेशन मस्त है ना, आप लोग ब्लॉग देखना, ठीक है।